बढ़ेंगे और जिक्र बुधनी का। बुधनी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कांग्रेस ने उपचुनाव की तेज कर ली है अब तैयारियां। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जीतू पटवारी ने उपचुनाव के लिए बनाया प्रभारी। शैलेंद्र पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चयन और बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है और अब यहाँ पर उपचुनाव की तैयारी है जिसमें कांग्रेस अब पूरी तरह से जुट चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव बुधनी विधानसभा में उपचुनाव जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हो रही हैं। कांग्रेस जो है उपचुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को प्रभारी बना दिया गया है। प्रभारी यहां पर नियुक्त कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बुधनी विधानसभा में उपचुनाव होना है और अब कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है, प्रभारी नियुक्त किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल बुधनी सीट है जो लंबे समय से बीजेपी की परंपरागत सीट है और यहाँ से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतते आते थे और इस बार वो लोकसभा चुनाव जीते और इस कारण बुधनी सीट खाली होगी। हालांकि अभी विधानसभा से इस रिक्त सीट नहीं घोषित की गई है क्योंकि यहाँ पर अभी शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देंगे, उसके बाद यहाँ पर रिक्त सीट होने के बाद चुनाव की घोषणा होगी, तारीख होगी। अभी एक उपचुनाव अमरवाड़ा में होना है लेकिन ये साफ है कि बुधनी में उपचुनाव होगा और शिवराज सिंह चौहान इस सीट को खाली करेंगे। तो निश्चित ही यहाँ पर कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ पर इछावर के जो पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें भेजा गया यहाँ पर कि वो सीट पर ये स्थिति देखे कि यहाँ पर कांग्रेस आखिर बीजेपी के इस गढ़ को कब भेज सकती है और कब अच्छी लीड के साथ यहाँ पर जीतेगी। तो बड़ी चुनौती है कांग्रेस सामने, इसीलिए पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शैलेंद्र पटेल को जिम्मेदारी देकर यहाँ पर जो जिताऊ प्रत्याशी है या जो फाइट दे सके उस चेहरे की तलाश के लिए कहा गया है क्योंकि अब बीजेपी का भी चेहरा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे तो कोई नया चेहरा होगा। अब वो पार्टी बीजेपी किसे टिकट देती है, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि यहाँ पर कुछ चमत्कार हो सकता है और जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ चुनाव मैदान में नहीं होंगे तो कांग्रेस एक बार इस यहाँ की सीट को जीत सकती है। इसी कवायद में जिम्मेदारी के साथ शैलेंद्र पटेल को भेजा गया। अब जब सीट पर चुनाव की घोषणा होगी, तारीख का ऐलान होगा, उसके बाद चुनावी घमासान और चरम पर होगा, लेकिन निश्चित शिवराज सिंह चौहान की पसंद का यहां पर चेहरा होगा तो एक अच्छी फाइट कांग्रेस और भाजपा की देखने को मिलेगी। वाकई देखिए, परंपरागत सीट यहां पर बीजेपी की है और परंपरागत सीट को हिलाना इतना आसान नहीं है और कांग्रेस की तरफ से तो कतारों में कई सारे हैं जो चाहते हैं यहां से चुनाव लड़े, पर हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाता है। बीजेपी की तैयारियां कैसे चल रही है इसे लेकर के? देखिए बिल्कुल, बीजेपी का क्योंकि बुधनी जो सीट है वो शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही, लंबे समय से वो विधायक थे तो यहाँ पर उनकी पसंद निश्चित ही पूछी जाएगी कि अब केंद्र में भी एक बड़ी भूमिका में है और यहाँ पर उनकी पसंद का चेहरा हो सकता है। हालांकि एक कवायद चल रही है बीजेपी की तरफ से कि शिवराज सिंह चौहान के जो बड़े बेटे हैं कार्तिक के, क्योंकि वो लगातार जब पिताजी उनके यहाँ पर प्रदेश में प्रचार करते थे तो वही सीट पर सक्रिय रहते थे, जनता के बीच जाते थे, तो कार्तिक के उनके बेटे एक बड़ा चेहरा है। लेकिन परिवारवाद वाली गाइडलाइन अगर बीजेपी की होती है तो कोई नया कार्यकर्ता किसी को चुना जा सकता है, तो निश्चित ही यहाँ पर काफी अच्छे कार्यकर्ता भी तो पार्टी उनमें से किसी को मौका देकर नए चेहरे को आगे ला सकती है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात खरगोन की, जहां भीकनगांव थाने में जमकर बवाल हुआ। यहाँ महिला सफाई कर्मियों ने सहायक राजस्व निरीक्षक मयंक जैन की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद थाने में FIR दर्ज कराने पहुंचे थे और इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि महिला सफाई कर्मियों ने सहायक राजस्व निरीक्षक की धुनाई कर दी। ये तस्वीरें आप देखिए, FIR दर्ज कराने पहुंचे थे उसी दौरान ये बवाल और फिर ये पिटाई की तस्वीरें सामने आई। हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर देखने को मिला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, महिला सफाई कर्मियों ने किस तरह से यहाँ पर पीटा है, किस तरह से मारपीट सहायक के साथ की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बवाल की तस्वीरें, हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं थाने की। और अब
बात ग्वालियर की, जहां छावनी इलाके में दो बाइक सवारों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद वहां जमकर मारपीट होने लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। यहां पर किसी बात को लेकर विवाद और विवाद देखते ही देखते बढ़ता चला गया और मारपीट में ये पूरा विवाद तब्दील हो गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से एक दूसरे को लात घूंसे मारते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद जाकर के कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया जा सका। अब बात रायसेन की, जहां आखिर 10 दिनों बाद वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली है। सुराई के जंगल से बाघ को पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसे वन विभाग की टीम ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेज दिया है। आपको बता दें कि इस इलाके में टाइगर के मूवमेंट की जानकारी वन विभाग को मिली थी, जिसके बाद 10 दिनों से टाइगर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और टीकमगढ़ को यूपी से पानी मिला है। ललितपुर के जमरार बांध से पानी की सप्लाई हुई है। दरअसल योगी सरकार ने लिया पानी देने का फैसला ये लिया था। सीएम यादव ने आग्रह भी किया था, सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था। और पानी की सप्लाई हो चुकी है, बता दें ललितपुर के जमरार बांध से पानी की सप्लाई की गई है। दरअसल योगी सरकार ने फैसला लिया था पानी देने का, सीएम यादव ने आग्रह किया था, पत्र भी लिखा था। एमपी में मिशन अंकुर के रूप में निपुण अभियान लागू किया जा रहा है और इस अभियान के तहत फरवरी 2024 में सभी जिलों के स्कूलों का मूल्यांकन किया गया, जिसके बाद अभियान की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पेश किया। और इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बुनियादी साक्षरता और ज्ञान को बढ़ावा देने ही हमारा उद्देश्य है। कक्षा 3 के 39% बच्चे हिंदी में निपुण हैं, अभी अंग्रेजी और गणित में निपुणता के लिए और प्रयास करने होंगे। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, परिणाम चिंता का विषय है, लेकिन इन्हीं सब चीजों को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। ये जो निपुण की टीम हो या दूसरे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको हमने विभाग में शामिल करके उनकी मदद ले रहे हैं, लगातार टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, एक बेहतर शिक्षा की पद्धति क्या हो इस पर हम लोग फोकस करके काम कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक की उपस्थिति जो चुनौती है वो बेहतर कैसे हो इस पर हम लोग डिजिटली भी काम कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षक अगर स्कूल में समय पर पहुंचेगा और समय तक रहेगा तो आधा काम हमारा उसमें हो जाता है। 19-20 तीन दिन हम स्कूल चलो अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हेलो, मैं आरटीओ, अगर फोन पर ये सुने तो सावधान हो जाए। नर्मदापुरम में आरटीओ एक्शन में दिखी है। ट्रैफिक पुलिस के साथ आरटीओ ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान कई नाबालिग बच्चों को बाइक या स्कूटी चलाते पकड़ा। आरटीओ ने न केवल वाहनों को जब्त किया बल्कि पेरेंट्स को भी मौके से फोन लगाकर फटकार लगाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया। वाहन चेकिंग के दौरान कुछ पेरेंट्स ने चालाकी करने की भी कोशिश की, लेकिन आरटीओ के सामने उनकी एक ना चली। आरटीओ बोल रही हूँ, ये आपकी बिटिया को आपने स्कूटी चलाने के लिए दी है? आपकी बिटिया की उम्र क्या है? मैं आरटीओ बोल रही हूँ, आरटीओ और ट्रैफिक मिलके कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी बिटिया नाबालिग है, 13 साल की उम्र है, ये स्कूटी लेके कैसे आई है ये बताइए। ये सामने खड़ी है, स्पीकर पे फोन है। आरटीओ बोल रही हूँ, ये आपकी बिटिया को आपने स्कूटी चलाने के लिए दी है? आपकी बिटिया की उम्र क्या है? मैं आरटीओ बोल रही हूँ, आरटीओ और ट्रैफिक मिलके कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी बिटिया नाबालिग है, 13 साल की उम्र है, ये स्कूटी लेके कैसे आई है ये बताइए। ये सामने
सीहोर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है प्रशासन का। 16 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। झाली गांव के कन्या छात्रावास परिसर में यह कार्रवाई की गई है। 34 करोड़ की लागत से छात्रावास बन रहा है। राजस्व और पुलिस टीम का एक्शन यहां पर देखने को मिला। तो अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें आप देखिए, सीहोर की अतिक्रमण यहाँ पर करके रखा गया था और यहाँ पर आज अतिक्रमण को हटाया गया है। राजस्व और पुलिस टीम ने ये बड़ा एक्शन लिया। कन्या शिक्षा परिसर बन रहा है और आदिम जाति कल्याण विभाग को पूर्व में आवंटित की गई थी भूमि, उसका कब्जा दिलाया गया है आज। तो कुछ अतिक्रमण था कृषि भूमि का, तो उसको हटा के और संबंधित विभाग को निर्माण के लिए कब्जा सौंपा गया है। सर, करीब कितने एकड़ में अतिक्रमण हटा गया? ये लगभग 8 एकड़ के आसपास अतिक्रमण था। जो खेती कर रहे थे कुछ लोग, उनको हटाकर और कब्जा विभाग को सौंपा गया। भोपाल में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। जेपी अस्पताल के बाहर इनका प्रदर्शन देखने को मिला। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। 2023 में परीक्षा हुई और नतीजे नहीं आए, और अगर आप भी जल्द नहीं आते हैं तो इन्होंने चेतावनी दी है कि विधानसभा और सीएम हाउस का घेराव हम करेंगे।